वाले समय में जो नए भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी कल्पना कर रहे हैं, उस नए भारत में उन लोगों के जो महान पुरुष हैं उनके आदर्शों को लेकर हम लोग चलेंगे, तो नया भारत जो मोदी जी की कल्पना है उसको हम लोग पूर्ण करने में सहयोग भी मिलेगा और एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। आज आपका एक नई मुहिम शुरू करने की जरूरत है, उसमें किस तरीके का जुड़ाव आम जनमानस का होना चाहिए और क्या ये देखिए, मैंने कहा कि संविधान के अंदर मौलिक अधिकार की बातचीत होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी बातचीत होनी चाहिए, ये भी संविधान कहता है। और इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो नागरिक हैं उन कर्तव्यों के प्रति ध्यान दें और उन कर्तव्यों में दो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। एक आता है जो संविधान कहता भी है, आर्टिकल 42 के माध्यम से उसमें संशोधन भी हुआ है कि सरकारें जो हैं कानून बना सकती हैं परिवार कल्याण और परिवार नियोजन के ऊपर, तो उस दिशा में भी एक माहौल बनना चाहिए और जनता जब बनाती है तो सरकारें भी उस तरफ आकर्षित होती हैं या मजबूर होती हैं। और दूसरा एक और मैंने कहा कि आर्टिकल 44 के तहत जिसके विषय में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जो हैं उन्होंने भी कहा कि अब आर्टिकल 44 कहता है कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो देश के अंदर जब जनता इस प्रकार के माहौल बनाती है तो भाईचारा भी बनता है। जो राजनीतिक खिंचाव होता है या जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं या भड़काऊ भाषण देते हैं या जनता को या दूसरे समाज को जो भड़काते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती। ये मैंने आज अपने उद्बोधन में कहा और सबसे अपील भी करी और यही मैंने विषय अपने जो अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मना था उस दिन भी अपने उद्बोधन में रखा था असेंबली में। आज चूंकि आने वाले अगले महीने यहाँ एक बहुत बड़ा मेला मार्ग मेला शुरू किया जा रहा है और सरकार ने कहा इस बार का मार्ग मेला विशेष रूप से उसमें व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या अलग है? देखिए अभी आप लोगों ने कुंभ देखा, कुंभ और मांग मेला एक बराबर नहीं होता, लेकिन कुंभ के अंदर हम लोग ने बहुत अच्छा करा था और विशेष करा था और जनता का, पूरे देश की जनता का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान, उसमें लोगों ने अपना कर्तव्य भी निभाया। इस दफे भी जो माघ मेला उसका बजट बढ़ाया है, तो जो पहले माघ मेले होते तो उससे बेहतर होएगा, तो वो तो बेहतर आप जब भी महसूस करेंगे जब उसको शुरू होएगा, मगर आप लोग से बस इतना ही जरूर अनुरोध करूंगा कि कुंभ और माघ को एक साथ ना जोड़ें। ये माघ मेला है, अच्छा होएगा, व्यवस्थित होएगा, आपको वहाँ पे व्यवस्था अच्छी मिलेंगी और जो भी स्नान होते हैं उसका आप आनंद लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोगों को और क्या कुछ होना, कुछ नया भी कुछ? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसके तहत जो भव्य राम मंदिर बनने का जो आदेश है वो बनाया जाएगा और भव्य बनेगा, लेकिन साथ साथ अयोध्या के अंदर जो राज्य सरकार योगी जी की सरकार है, हम लोग इसके अंदर एक बाहर के कंसल्टेंट से जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम लोग एक अच्छा प्लान भी बना रहे हैं कि जो फुटफॉल होता है, जो श्रद्धालु लोग आते हैं उसकी जो संख्या है, आज विश्व भर में वेटिकन जो है जो क्रिश्चियनिटी की तरफ है उसके बारे में कहा जाता है या जो इस्लाम का जो कहा जाता है मक्का, इसको वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, हम इस प्रकार का करेंगे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मगर अयोध्या के अंदर सभी समाज के लोग वहाँ पे अधिक से अधिक आए और वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पर भी हो जिस प्रकार से हमने कुंभ में।